हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज बनाया है मैंने ये फूल, ये मैंने चार्ट पेपर से बनाया है और बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। ये दीपावली पे अपने घर को डेकोरेट करने के लिए बनाया है और मेज पर भी इसे रख सकती हैं, फ्रिज के ऊपर भी इसे रख सकती हैं। तो बहुत ही सुंदर और प्यारा सा ये जल्दी बनके तैयार हो जाता है। सिर्फ इसे बनाने में मुझे 5 मिनट का टाइम लगा है और चलो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने चार्ट पेपर लिया है, आज मैं चार्ट पेपर से ही वीडियो बनाऊंगी। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे। ये मैंने 5 इंची चौड़ाई ली है, और 17.5 इंची मैंने इसकी लंबाई ली है। तो अब हम इसे ऐसे ही रखकर ब्लेड से या कैंची से काट देंगे, इसे कट कर देते हैं। तो ये मैंने कट कर लिया है, तो अब इसे हम गोल आकार में इसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। तो देखिए मैंने ये इस तरीके से ये बना लिया है और इसे मैंने कैप से चिपका दिया है। तो अब क्या करेंगे, ये मैंने 3.5 इंची की निशान लगाया हुआ है। अब यहाँ तक 3.5 इंची तक इसे कट कर लेते हैं, यानी लंबी लंबी पत्तियाँ इसमें से कट करेंगे। देते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो आप देख रहे हैं इतनी पतली पतली पत्तियाँ हम कट कर लेंगे। देखो चारों तरफ से ऐसे ही इतनी इतनी दूरी छोड़कर ही कट करेंगे। तो पहले कट कर लेते हैं। तो देखिए मैंने चारों तरफ से पत्तियां कट कर ली हैं। अब क्या करेंगे, इसे इस तरीके से इसका फूल बनाएंगे। तो देखिए मेरा फूल बन गया है। देखो तो देखिए, अब मैंने ये थर्माकोल की गोलियां ली हैं छोटी छोटी। अब एक एक पत्ती पर इन गोलियों को चिपका देते हैं। तो देखिए एक थोड़ा सा हम फेविकोल लेंगे और ये गोली इस तरीके से थोड़ा फेविकोल लेकर इस पर ऐसे चिपका देते हैं। बहुत आसानी से ये चिपक जाती हैं। गोलियां हम इसी तरीके से चिपका लेंगे। तो ये मैंने थर्माकोल की गोलियां फेविकोल से चिपका ली हैं। देखो कितनी अच्छी लग रही हैं और कितनी सुंदर दिख रही हैं ये। तो ये मेरा बनके तैयार है फूल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।